नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गुज दिल्ली तक। ये सवाल सबके जहन में होगा कि आखिर तीन रेलगाड़ियां एक दूसरे से कैसे टकरा गई, क्या इस भीषण हादसे का रोका जा सकता था, इसके पीछे किसी की लापरवाही या नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उड़ीसा के बालासोर के पास हुए ट्रेन हादसे का कारण पता चल गया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में आई गड़बड़ी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। एनबीटी ने इस रेल रूट पर ट्रेन चलने वाले एक ड्राइवर से बात की जो अब पीटी की नौकरी करते हैं। उन्होंने इस हादसे के बारे में विस्तार से बताया। वो कहते हैं, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस भानागा स्टेशन क्रॉस करने वाली थी तब ड्राइवर को मेन लाइन का सिग्नल मिला था, लेकिन गाड़ी अचानक लूप लाइन में चली गई। अगर ट्रेन को लूप लाइन से जाना होता तो येलो सिग्नल के साथ व्हाइट सिग्नल जलता, लेकिन सिग्नल ग्रीन था। लूप लाइन जाने की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, इसीलिए सिग्नल मिलते ही ड्राइवर स्पीड घटा लेता है। हालांकि शुक्रवार को ऐसा नहीं हुआ। उड़ीसा ट्रेन हादसा ऑटोमेटिकली चेंज होती है। इंटरलॉकिंग बालासोर दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिली और वो 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ही आगे बढ़ गया। लूप लाइन का चक्कर छोटे बड़े स्टेशन के पास ही पड़ता है। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी और इतनी भीषण टक्कर हुई कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। ये तस्वीर हमने आपने सबने देखी। टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां दूसरे मेन लाइन पर गिर गई। अब उस पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी और ये पटरी पर गिरी बोगी को चीरते हुए निकल गई। अब सवाल उठता है कि इंटरलॉकिंग तो अब मैनुअली नहीं होती, ये सिग्नल के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होती है। ऐसे में प्रथम दृष्टि सिग्नल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मालूम होती है। उड़ीसा ट्रेन हादसे के मुख्य कारण की पहचान हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने ट्रेन हादसे की जांच पूरी कर ली है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। लाइक शेयर करना ना भूलें।